अब वो जमाना गया जब बुजुर्ग लोग बच्चों की बातें मजाक में उड़ा दिया करते थे, ये कह के कि बच्चा नादान है, सीख जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब सब उल्टा हो गया है। जहां कंप्यूटर का सवाल आया, बच्चे लोग बुजुर्गों के बारे में बोलते हैं कि पहले सीख लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। इस कदर तूफान स्पीड के साथ बच्चों ने कंप्यूटर के बारे में सीख लिया है और सीखते जा रहे हैं कि कई बार 16-16, 17-17 साल के बच्चे बड़े बड़े कंप्यूटर एक्सपर्ट से आगे निकल गए, और कुछ बच्चे गलत रास्ते पे चले गए, वो हैकर्स बन गए। हैकर्स तो आप जानते हैं क्या होता है। ये वो गुनाहगार हैं जो साइबर क्राइम करते हैं, मतलब एक छोटे से कमरे में छिप के दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में घुस सकते हैं, बड़े बड़े बैंकों के कंप्यूटर में घुस के करोड़ों रुपए इधर से उधर कर देते हैं, सिर्फ अपने घर में बैठे बैठे। समझा? घर में बैठे बैठे। और इन्हें पकड़ना बड़ा मुश्किल है। इसका तो सिर्फ एक ही इलाज है कि इनके जैसा ही कोई गुनहगार कंप्यूटर हैकर इनके पीछे लगा दो। अच्छा, अगर क्या होगा कि ऐसा ही कोई जवान बच्चा हैकर CID के कंप्यूटर में घुस जाए, उसे तो घर में बैठे बैठे ही पता चल जाएगा CID के सारे राज। आप खुद ही देख लो ये सत्यानाश कैसे हुआ। मालूम है तो उसे मिला नहीं, लेकिन तुझे ये तो मालूम होगा वो इस वक्त है कहां पे? हैं? नहीं मालूम? ऐसा कैसे हो सकता है? तो खबरी है दया का, तुझे नहीं मालूम? देख देख, एक्टिंग करने की कोशिश मत कर, सच सच बता, दया कहां छुपा हुआ है? ठीक है, तेरे से तो मैं बाद में निपटूंगा। सर, दया सर को आखिर हो क्या गया है सर? इससे पहले तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था। यही बात तो मुझे परेशान कर रही है फ्रेडी, फोन भी नहीं उठा रहा है वो। सर, मैं उनके घर 2 बार होकर आया हूँ, 4 दिन से घर पे भी नहीं आए सर। दया गया तो गया कहाँ पे? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आप अंदर कैसे आ गए? बाहर किसी ने रोका नहीं आपको? रोका था, लेकिन दया का नाम लिया तो छोड़ दिया। दया? आप दया को जानती हैं? जी हाँ, उसी ने तो भेजा है मुझे यहाँ। दया सर ने भेजा है आपको? ठीक सुना तुम। है कहाँ दया इस वक्त? ये सबके सामने नहीं बता सकती हूँ मैं, ये सिर्फ मैं अभिजीत के कान में बता सकती हूँ।
आप ऐसे ही बताइए। दया ने मुझे कहा है कि बात बहुत सीक्रेट है, सिर्फ अभिजीत के कान में कहना। सुनना है आपको या फिर मैं जाऊं? नहीं नहीं, आप बताइए। अभिजीत, ये क्या कानाफूसी चल रही है? सर ये दया की दोस्त है। दया की दोस्त है? और नहीं, ये इन्होंने कहा कि कान में बताएंगे। अच्छा, क्या बताया? कहाँ है दया? वो सर, वो कुछ ऐसे काम में फंसा हुआ है कि वो फोन भी नहीं कर सकता है। नहीं सर, इसीलिए तो उसने मुझे भेजा है। ओ, अच्छा, और कुछ? वो सब मैंने इनके कान में बता दिया है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय। खुद गायब है और ऐसे दोस्त पाल रखे। एक्सक्यूज मी सर, अब ये लोग कौन है? जी जी, मेरा नाम सुलेखा है, मेरा बेटा अमित। क्या हुआ आपके बेटे को? जी जी, वो कल रात से घर नहीं आया। आपके बेटे की कोई फोटो है आपके पास? जी मेरे पास है। आप कौन है? सर हम लोग अमित के दोस्त हैं, मैं प्रिया, ये हर्षद और ये स्नेहा। ये आखिरी बार कब देखा था आप लोगों ने अमित? कल रात हमारे कॉलेज में पार्टी थी, पार्टी चल रही थी और किसी ने अमित को बाहर बुलाया और उसके बाद वो वापस आया ही नहीं। किसने बुलाया था उसे बाहर? सर पता नहीं, हम उसे जानते तक नहीं। अच्छा, अमित का किसी के साथ कोई झगड़ा, किसी के साथ कोई दुश्मनी? अमित का राहुल के साथ झगड़ा होते ही रहता था। अब ये राहुल कौन है? सर राहुल हमारा क्लासमेट है। झगड़ा क्यों हुआ उसका अमित के साथ? दरअसल राहुल प्रिया के पीछे पड़ा रहता है, लेकिन प्रिया की अमित के साथ ज्यादा अच्छी दोस्ती है, इसीलिए। तो ये बात है। ये राहुल भी था वहां पार्टी में? हाँ था तो सही, पर क्या, पर कुछ देर बाद वो भी वहां से गायब हो गया। अच्छा, ये राहुल भी गायब हो गया पार्टी से? प्लीज सर, आप लोग मेरे अमित को जल्दी से ढूंढिए, कहीं कुछ हो रहा गया हो उसे, प्लीज। मालूम है आप लोगों को ये राहुल रहता कहाँ है? चुपचाप गाड़ी में बैठ, जल्दी। अरे दया सर की गाड़ी। दया, दया। कुछ फोन करने का इशारा कर रहा था। अभिजीत, पहले इस राहुल के घर चलते हैं। क्या अमित खो गया? पर मैंने तो उसे देखा था कॉलेज की पार्टी में। हाँ ये तो हमें भी मालूम है, जो कॉलेज के पार्टी में था, मगर उसके बाद कहाँ गया है? कहाँ वो? सर मुझे क्या मालूम होगा सर, वो थोड़ा सनकी आदमी है सर, कहीं खिसक गया होगा इधर उधर। नहीं 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 नहीं, वो अपने आप नहीं गया है, तुम लेकर गए उसे। कहाँ छुपा के रखा है उसे बताओ? मैं सर, तुम जल्दी देना अमित से, कभी कभी धुआं भी निकलता था उसे देख के। सर कोई धुआं नहीं निकलता था सर, वो लोग मुझे फंसा रहे हैं सर। अच्छा, वो लोग तुम्हें फंसा रहे? अच्छा, और ये प्रिया, वो भी फंसा रही है तुम्हें? क्या प्रिया? क्या हुआ, हवा निकल गई प्रिया का नाम सुन के? आशिकों का अक्सर यही होता है सर। प्रिया अमित से प्यार करती थी ना? हाँ। तुम्हें बताओ क्या किया तुमने अमित के साथ? कुछ नहीं सर। फिर कुछ नहीं? सच्चा आशिक है सर, सच्चा आशिक।
सब पार्टी वाली रात मैंने उसको अपनी गाड़ी में जाते हुए देखा था और कोई आदमी था उसके साथ। अब ये क्या नई कहानी है? नहीं सर, सच कह रहा हूँ, कोई आदमी था उसके साथ। कौन था वो? सर मुझे मालूम नहीं कौन था वो, मैंने तो उसको पहली बार देखा था। हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है क्या? ओके 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 ओके। ये अमित की कार का कलर क्या है? निकालो निकालो। आने दो आने दो। और ऊपर लेना। ले आओ ले आओ। ऊपर लाओ। तो झील के अंदर इतनी दूर तक कार गई है, तीन चार लोग तो लगे होंगे धक्का मारने में। हाँ लेकिन अभिजीत फिंगरप्रिंट्स तो जरूर मिलेंगे। कार पानी में डूबी है इतनी देर तक, तो निशान होंगे? होंगे, क्यों नहीं होंगे? विवेक, हर इंसान के स्किन के पोर्स में से पसीने के साथ साथ ऑयल भी निकलता है, तो फिंगरप्रिंट जरूर होंगे। और ऊपर लो। कार में कोई है क्या? दिख तो नहीं रहा। लाओ लाओ। धीरे धीरे लेके आओ लेके आओ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अभी ये जरा डिक्की खोल के देखो। सर देखो कुछ है क्या? विवेक यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं सर कोई भी नहीं है, इसका मतलब अमित जिंदा हो सकता है। सर लाते लाश ऊपर लो, उसे संभाल के आराम से आ जाओ। आराम से आराम से यहाँ रखो रखो यहाँ पर यहाँ रखो बस सामान रखो यहाँ। एक मिनट ये तो अमित नहीं है सर। ये अमित नहीं है तो फिर कौन है? सर कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिसने अमित को मारने की कोशिश की? देखो इसके बॉडी पर कोई आइडेंटिफिकेशन वगैरह है क्या? इसके पॉकेट्स वगैरह चेक करो। आई कार्ड है सर। सोहम, सोहम नाम है इसका। सोहम। चलो सर एक बात तो है, कम से कम अमित जिंदा तो है। क्या पता अमित जिंदा है भी या नहीं। अभिजीत इस सोहम के घर चलते हैं। तो, ये क्या? यहां तो सारा सामान बिखरा पड़ा है, लगता है किसी ने तलाशी ली है। विवेक एक काम करो सर, जरा आसपास पड़ोसियों से पूछताछ करो, यहां पे उन्होंने किसी को आते जाते देखा है क्या? सर ये लैपटॉप का चार्जर है, यहाँ पे केबल है। लैपटॉप कायम है। सोहम तो नहीं ले गया लैपटॉप?
सर, सोहम की लाश के पास तो लैपटॉप था नहीं। हो सकता है जो आदमी यहाँ पे तलाशी लेने आया था वो ले गया हो। सिर्फ लैपटॉप ही क्यों लेकर गया है? बाकी सारा सामान ऐसे ही छोड़ कर गया क्यों? सर, हाँ। ये प्रणीता जी है सर, सोहम के पड़ोस में रहती है सर। इन्होंने कल रात किसी को भागते हुए देखा था सर, ये दरवाजे से। प्रणीता जी, ये कितने बजे की बात है? रात के 11:15 बजे होंगे। रात के 11:15 बजे मैंने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी यहाँ से भाग रहा था। कौन है? कौन है? सुनिए। तो फिर आपने हल्ला क्यों नहीं मचाया? पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? या तो बहुत सारे लड़के आते जाते रहते हैं, दिन रात आना जाना चलता रहता है, तो फिर पता कैसे चलेगा कि कौन चोर है और कौन शरीफ? अच्छा, आपने उसके पास कोई बैग देखा था? लैपटॉप रखने वाला बैग? हाँ, था तो वैसा कुछ। लैपटॉप था? शायद। आप उस आदमी को पहचान सकते हैं? दोबारा देखेंगे तो पहचान लेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। गुड, तो फिर प्रणीता जी आप हमारे साथ ब्यूरो चलिए और वहाँ उस आदमी का स्केच बनवाने में मदद कीजिए, ठीक है? और विवेक, या इस कमरे में जितने सारे फिंगरप्रिंट्स हैं, जहाँ भी है, सारे के सारे फिंगरप्रिंट्स उठाओ। काफी हट्टा कट्टा आदमी था, लंबा चौड़ा, बड़ा सा चेहरा और मोटी मोटी बाहें थी उसकी। अभिजीत, जब अमित की गाड़ी मिली तो मुझे एक बार लगा कि लाश भी अमित की ही होगी। मैं भी यही सोच रहा था सर, 2-3 दिन से गायब है तो शायद लाश उसी की है। अमित ने अपनी गाड़ी में सोहम को क्यों बैठा दिया? ये अमित जब हमें मिलेगा ना तो उसी से पूछ लेंगे, समझे? और अगर वो नहीं मिला तो सर? तो और सर, सोहम के घर से लैपटॉप भी चोरी हुआ था, सिर्फ एक लैपटॉप, बाकी कुछ नहीं सर। ये बात तो है, सोहम के घर से लैपटॉप चोरी होता है और सोहम की लाश मिलती है, वो भी अमित की गाड़ी में। और अमित सर, अमित खुद गायब है। और अमित खुद गायब है, मगर अभिजीत, वो जो लैपटॉप जो चोरी हुआ है, सिर्फ लैपटॉप ही क्यों चोरी हुआ? सर, हो सकता है उस लैपटॉप में कोई सीक्रेट छुपा, और ये भी तो हो सकता है कि ये सोहम किसी गुनाह में मिला हुआ और शायद इसीलिए उसका खून हो गया। सीआईडी ब्यूरो? हाँ डॉक्टर साहब, हाँ बोलिए बोलिए। क्लोरोफॉर्म? ओके ओके। ये एसीबी साहब से बात करनी है? अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। सर, डॉक्टर साहब का फोन था। क्या क्या कह रहा था वो जब तुमने उसे पूछा एसीबी साहब से बात करनी है क्या? सर कुछ नहीं। कुछ तो कह रहा था वो, क्या कह रहा था? अब साड़ुंके साहब को तो आप जानते हैं सर, वो कुछ भी बोलते रहते हैं सर। अभिजीत, क्या आप कह रहा था साड़ुंके? सर वो कह रहे थे कि मुझे कपड़े नहीं फाड़वाने। मैं उसके कपड़े फाड़ता हूँ अभी देख। नहीं नहीं सर, सर सर, साड़ुंके साहब कह रहे थे कि सोहम को किसी ने क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश किया है और फिर उसे पानी में फेंक दिया। यस सर, क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश किया, फिर पानी में फेंक दिया। सर क्या हुआ, रो क्यों रहा है? स्केच बन गया ना? सब बन तो गया मगर। स्केच लड़की का बन गया क्या? जी नहीं सर, कुछ उल्टा ही हो गया। ये क्या बना दिया तुमने है? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? सर जैसे इन्होंने बताया वैसे ही मैंने बनाया सर। ये क्या मजाक है प्रणीता जी? इसमें मजाक की क्या बात है? आप जानती हैं कौन है ये आदमी? ये वही आदमी है जो उस रात सोहम के रूम में आया था। ये कैसे हो सकता है मैडम? ये एक सीआईडी ऑफिसर है, सीआईडी ऑफिसर। अगर सीआईडी ऑफिसर चोरी करे तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन आई एम श्योर ये वही आदमी है। देखिए आप इस तरीके से, एक मिनट अभिजीत, एक मिनट। दया को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करो, फोन करो उसे। हेलो, या सीआईडी ब्यूरो? क्या? ओके ओके ओके, ठीक है, आप घबराइए मत। या ओके ओके, क्या हुआ? सर वो जो लड़की आई थी अमित की गर्लफ्रेंड प्रिया। मैं प्रिया, ये हर्षद और ये स्नेहा।
वो गायब हो गई है, उसके डैडी का फोन था। प्रिया गायब हो गई है? देख प्रतीक, मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता। तुम लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अब भी टाइम है, बता दे, सच सच बता दे, वरना मैं जो ऊपर पहुंचा दूंगा। प्लीज सर, प्लीज सर, मुझे माफ कर दे सर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर। अच्छा सर, छोड़ दीजिए सर, बोल सर, प्लीज सर, छोड़ दीजिए सर। दया फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सर हाँ, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया हूं इन्हें। अच्छा बताओ प्रिया कहाँ है? क्या प्रिया भी गायब होगी? बकवास बंद, कहाँ है प्रिया? सर पर आप ये हमसे क्यों पूछ रहे? पहले अमित और अब प्रिया, ये तुम्हारे आसपास के लोग ही क्यों गायब हो रहे हैं? इसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं आपको? तो और कौन बताएगा? प्रिया तुम्हारी दोस्त थी, है ना? जान जो इसे? ये तो सोहम है। और इस कार्ड आप लोगों के पास कहां से आया? उसी की लाश के पास। सोहम की लाश? हाँ सोहम की लाश, सोहम का खून हो गया है। ये बताओ तुम लोग इसे जानते कैसे? सोहम हमारा दोस्त था। वाह वाह, जो भी कोई इनके दोस्त हैं, या तो वो गायब हो जाते हैं या फिर उसकी लाश मिलती है। सर काफी दिन से तो हमारी बात भी नहीं हुई थी सोहम से। ये लो सर, बात बंद होने का नया नाटक। ओ माय गॉड, क्या बात, तुम जानते हो इसे? ये तो वही है। हाँ अर्शद, ये वही है। कौन कौन है? सर ये वही है जिसने उस रात अमित को बाहर बुलाया था कॉलेज की पार्टी से। Are you sure? क्या ये वही आदमी है? बिल्कुल ये है सर, ये है वो। और प्रिया को भी इसी ने गायब किया होगा। सर ये दया, सर ये दया कर क्या रहा है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, क्या? हाँ ठीक है। क्या सर? दो और लाशें मिली है जेल में से। दो और लाशें? अच्छा हुआ सर आप आ गए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। प्रिया, अमित, ये क्या हो गया? अमित, बेटा अमित, प्लीज सोम की मौत के बाद अब इन दोनों की मौत हुई है। जो कुछ भी है सच सच बताओ, ये चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं सर। देखो अर्शद, कुछ छुपाने की कोशिश मत करो, इससे पहले कि किसी और की जान चली जाए सच सच बता दो। सर सर मैं मरना नहीं चाहती सर, प्लीज सर, सर कुछ दिन पहले मुझे नहीं अर्शद, आज मत रोको मुझे प्लीज, आज अगर हमें कोई बचा सकता है तो सिर्फ CID। बताओ क्या हुआ था? सर कुछ दिन पहले मुझे एक SMS आया था। SMS? कैसा SMS? एक मिनट रुकिए, मैं बताती हूँ आपको, ले लीजिए। तुम्हारी जिंदगी के बस कुछ दिन बाकी हैं। किसने किसने भेजा था ये SMS? पता नहीं सर, मुझे भी ऐसा ही एक SMS आया था, और जब हम लोगों ने उस नंबर पे फोन करने की कोशिश की तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। ये अमित और प्रिया, इनको भी ऐसा SMS आया था? जी जी। ये बात अगर तुम दोनों हमें पहले बता देते तो शायद इन दोनों की जानें बच जाती। सर हमें माफ कर दीजिए सर, हम बहुत डर गए थे, प्लीज हमें बचा लीजिए सर। हाँ सर, उनके क्या सालों के, तुम क्या कह रहे हो? Are you sure? अच्छा ठीक है। क्या हुआ सर?
सोम के घर से जो उंगलियों के निशान उठाए थे वो दया के हैं। क्या मतलब दया गया था सोम के घर में? ऑब्वियसली इसीलिए तो उसके उंगलियों के निशान मिले। मतलब सब प्रणीता जी सच ही कह रही थी, हमने उस रात दया सो को ही देखा था भागते हुए सोम के घर से। अब क्या करें? अब क्या करें? विवेक तुम और फ्रेडरिक्स इन दोनों पर नजर रखो, ध्यान रखो इन पर। और अभिजीत मोबाइल कंपनी से पता करो दया का फोन कहां पर है, दया को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। कैसे उदय? सर आप गाड़ी से बाहर निकलो। मगर सर वो दया गाड़ी से बाहर निकलो। कहाँ जा रहा है? सर सर मैंने कुछ नहीं किया सर। चल चल ये लीजिए सर, इसे दिए थे दया ने पैसे। राहुल तो ये भी है यहाँ पर? हाँ सर, पैसे लेके भाग रहा था। क्यों दया, क्यों पैसे दिए तुमने इसे? मुंह बंद रखने के लिए? सर आपने तो कहा था कि सीआईडी इस मामले में नहीं आएगी। दया ये क्या चक्कर है, हा? तुम कर क्या रहे हो? सर एक हफ्ते पहले अचानक मुझे पता चला कि मैं फोन पे जो कुछ भी बात कर रहा हूँ वो कोई सुन रहा है। क्या मतलब तुम्हारा फोन कोई टैप कर रहा है? हाँ सर, ये फोन तो वही लोग टैप कर सकते हैं ना, ये मोबाइल कंपनी वाले। यही तो चक्कर है सारा, फोन टैप मोबाइल कंपनी ने किया है। तो फिर कौन कौन कर रहा था? सर यही तो पता लगाने की कोशिश कर रहा था मैं। तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? बार बार फोन करके थक गए। सर सिर्फ मेरा फोन ही नहीं सर, आप सबके फोन कॉल्स भी कोई सुन रहा है। हमारे कॉल्स भी? हाँ मतलब हमारी कोई भी बात छुपी नहीं है सर? सिर्फ हमारे फोन से नहीं, हमारे सारे कंप्यूटर्स में भी वो घुस गया सर। हमारे कंप्यूटर्स में जितने भी गुनेगारों की लिस्ट है उनके बारे में जो कुछ भी सीक्रेट जानकारी है सर वो सब बैठ के देख रहा है। अरे यार तो बाहर से किसी दूसरे फोन से फोन कर देते। जब हमारे सब फोन पे किसी ने कान लगा रखे हैं तो किस पे करता मैं? तो इसीलिए उस लड़की को भेजा था। है कौन? सर वो ऐसे एक दोस्त है सर, सब खबर रखती है वो, उसका मुंह नहीं खुलेगा सर। अरे तो एक लेटर भेज सकते थे यार, मुझे एक के बाद एक ऐसी जानकारी मिलती चली गई कि मुझे टाइम ही नहीं मिला लेटर भेजने का। सबसे पहले तो मैंने मोबाइल नेटवर्क कंपनी वालों को पकड़ा सर, वहां से पता चला कि बांद्रा में किसी सोहम के घर से ये फोन टैप किया जा रहा था। सोहम? और तुम उस रात सोहम के घर पहुंच गए? मतलब ये प्रणीता सही कह रही थी? घर में सोहम तो नहीं मिला सर, पर वहां पे जो कुछ भी मैंने देखा उसे देखकर दिमाग घूम गया सर। उसके लैपटॉप में हम सबके फोन नंबर्स थे सर, हमारे जितने क्रिमिनल्स हैं उनके नाम और फिंगरप्रिंट्स थे सब। कमाल है, इतने होशियार हो गए आजकल के बच्चे। आजकल 15-15, 16-16 साल के बच्चे ऐसे एक्सपर्ट बन गए कंप्यूटर्स में कि पूछो मत। दुनिया के बड़े बड़े हैकर्स ये बच्चे ही तो हैं। फिर क्या हुआ? सर सोहम के घर से मुझे पता चला कि रेनबो कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ये सब कर रहे हैं। ओह, तो इसीलिए तुम उस कॉलेज की पार्टी में गए थे? हाँ सर, अमित तो मिला नहीं मुझे वहाँ पे, ये राहुल मिल गया। राहुल? राहुल को अंदर भेज दो। उस राहुल को मैंने पैसों का लालच दिया तो सर उसने मुझे ये लिस्ट दी।
अमित, प्रिया, सोहम, हर्षद, स्नेहा, सनी, सनी सर, ये सनी कौन है? सनी शायद मैंने गलती से नाम लिख दिया उसका, वो तो मर चुका है। क्या हुआ स्नेहा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? घबराऊ नहीं तो क्या करूं, अगर बात इतनी बिगड़ जाएगी मुझे पहले से पता होता तो मैं इस झमेले में पड़ती ही नहीं। कुछ नहीं होगा, तुम लड़कियां भी ना बस छोटी छोटी बात पर बिना वजह ही डर जाती हो। क्या राइट, तुम्हें ये छोटी बात लग रही है? इतने लोगों की मौत हो चुकी है हर्षद, मुझे लगता है हमें CID को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। पागल हो गई हो क्या? ऐसा भूल कर भी मत करना वरना बुरी तरीके से फंस जाएंगे हम। शायद कोई आया। ओह माय गॉड, क्या हुआ? CID? कैसे मेरा सनी? सर प्लीज मुझे मत फंसाइए इसमें। इसके घर पे फोन करो, बुलाओ इसके माँ बाप को। नहीं मैं बताता हूँ। तो फिर? दरअसल सनी की मौत एक एक्सीडेंट में 6 महीने पहले हुई थी। कैसा एक्सीडेंट? वो स्विमिंग पूल में डूबकर मर गया था। स्विमिंग पूल में डूब के कैसे? शायद उस पार्टी में उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और उसको पता ही नहीं चला वो कब स्विमिंग पूल में गिर गया। और वहां पार्टी में और लोग भी तो होंगे ना? हाँ सर, जो लिस्ट मैंने आपको दी है वो सब लोग थे। ये सब लोग थे? तो इस लिस्ट में जो भी लोग थे उन्हीं में से तो लोग मारे जा रहे हैं। लगता है सर कोई सनी की मौत का बदला ले रहा है। सर 6 महीने पहले मौत हुई है सनी की, 6 महीने पहले का रिकॉर्ड चेक करते हैं, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा उसकी मौत के बारे में। सर ये देखिए, इस अखबार में सनी की मौत की खबर छपी थी सर, फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। सनी लुगाना, रेनबो कॉलेज का स्टूडेंट, पार्टी के दौरान स्विमिंग पूल में डूबकर मौत, मौत का कारण शराब। सनी की मौत के गम में सर उसके पिता ने 2 दिन के बाद आत्महत्या कर ली थी। बेचारी माँ पर क्या बीती होगी? ये माँ ने मान लिया था कि मौत एक्सीडेंट से हुई थी? नहीं उसने नहीं माना था, वो तो कुछ और ही कहती रही। ये सनी की माँ, इसकी शक्ल को जानी पहचानी सी लगती है। सर ये तो एग्जैक्टली ये वही है। माय गॉड, तो ये मार रही है सबको, अपने बेटे की मौत का बदला ले रही है ये। दया इसके बारे में सब कुछ पता करो, इसके घर जाओ तुम, तब तक हम लोग स्नेहा के घर जाते हैं, देखते सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। घर की सारी लाइट्स तो बंद है सर, कहीं सो तो नहीं रहे? ये फ्रेडरिक्स और विवेक कहाँ गए? उनको तो यहां होना चाहिए। फ्रेडी सर, हाँ फ्रेडी, अरे इसे क्या हो गया? सर लगता बेहोश है,
तो फिर ये विवेक कहाँ गया? विवेक कहाँ थे तुम है? और क्या हुआ फ्रेडी को? पता नहीं सर, अभी तो ठीक ठाक थे। तुम कहाँ गए थे? सर उस तरफ से कुछ आवाज आ रही थी सर, मैं देखने गया था कि गड़बड़ क्या है। और तब तक किसी ने फ्रेडी को बेहोश कर दिया। तब अभी जी जो भी कोई है घर के अंदर होगा, हम घर के अंदर चलते। विवेक संभालो इसे। अभिजीत देखो लाइट्स कहाँ है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। स्नेहा अंकल आंटी। घबराओ मत। खोल रहे हैं, घबराओ मत। अर्शद तुम यहाँ पे? स्नेहा कहाँ है? किसी ने मुझे अंदर बंद कर दिया। स्नेहा कहाँ है? स्नेहा? हाँ हाँ स्नेहा कहाँ है? पता नहीं। क्या बात है, आप लोग यहाँ पे? स्नेहा, स्नेहा का कमरा कहाँ है? ऊपर है। ऊपर है? पीछे। स्नेहा, स्नेहा, यहाँ क्या बाथरूम है? जी हाँ। स्नेहा, ये क्या है? नहीं, सुनिए मत उसको, प्लीज। ओह माय गॉड। संभाली, संभाली। सीमा, सीमा, सीमा। संभाली, संभाली। क्लोरोफॉर्म ऐसा? क्लोरोफॉर्म? तो इसका मतलब है स्नेहा को किसी ने बेहोश करके यहाँ से उठाकर लेके गया है। इसका भी वही अंजाम होगा जो प्रिया और अमित का हुआ था। सनी, मेरा बेटा सनी भी इसी तरह से तड़प रहा था, लेकिन लेकिन तुम लोगों ने उसे नहीं बचाया, किसी ने भी नहीं बचाया। क्यों, क्या किया था उसने, क्या किया था उस बेचारे ने? अरे हम सब बहुत डर गए थे, अगर सनी जाके पुलिस में कह देता कि हम सब कंप्यूटर हैकिंग करते हैं तो हम सब बहुत बुरी तरह फंस जाते। तो पुलिस से बचने के लिए तुमने मेरे बेटे की बलि चढ़ा दी, उसे शराब पिलाकर उसे स्विमिंग पूल में फेंक दिया। सॉरी सनी, तू हमारे बारे में सबको बता देना चाहता था। अगर हमने इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये हमें जेल भिजवा देगा। तुम्हारा मरना तो पक्का है सनी। बाय सनी। ये आपसे किसने कहा? वो मरने से पहले प्रिया ने मुझे बता दिया था। बचाओ, बचाओ प्लीज। कोई नहीं आएगा। यहाँ कोई नहीं आता। बचाओ। कोई नहीं आएगा, बच्चा नहीं तू। वो लड़की तो गई काम से।
अरे बचाओ से रणिता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तू ही मेरे बेटे का खूनी है। नहीं नहीं, मैं जिंदा नहीं रहने दूंगी। छोड़ दो उसे। मेरे बेटे के खून को आत्महत्या बना दिया आपके कानून ने, अब इसे सजा मैं ही दूंगी। बस प्रणीता, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। प्रणीता, अगर हर एक इंसान बदला लेने के लिए खून करने पर उतरा है तो भले और बुरे में फर्क क्या है? मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं, मगर तुम्हें सजा भी मिलनी चाहिए और वो जरूर मिलेगी। मिस्टर मैथ्यू। हाय, कुलदीप बोल रहा हूं, कैसे हैं सर आप? यहां पर तो सवेरे के 8 बज रहे हैं, वहां पर मेरे ख्याल से शाम होगी। या मिस्टर मैथ्यू, एवरीथिंग्स फाइन। जी मिस्टर मैथ्यू, मैंने आपको इसके लिए फोन किया कि आपका माल तैयार है, पूरा के पूरा कंसाइनमेंट तैयार है और गोडाउन में पड़ा हुआ है। जी जैसे ही कंटेनर्स आ जाते हैं मैं उसको डिलीवर कर देता हूँ। जी सर। हाँ तो मैं कर दूंगा सर, लेकिन अगर कुछ पैसों का इंतजाम हो जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। मिस्टर मैथ्यू, आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि अमेरिका में मंदी है, लेकिन यहाँ का भी हाल अच्छा नहीं है। मेरा हाथ बहुत टाइट है मिस्टर मैथ्यू, कुछ 50% अगर। हाँ जी, अब मैथ्यू, अब ये नहीं मालूम कि डिलीवरी होने के बाद में कब पेमेंट आएगा, लेकिन अगर पेमेंट मुझे टाइम पर नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आई बी नो वे। शोर शराबा लगा से बंद करो, बंद करो उसे। चलो चलो चलो, इस तरफ आ जाओ। मैं खड़ा आ जा रहा हूं, लाइन में खड़ा हो जाओ। चलो लाइन लगाओ, आ जा रहा हूं। चलो जाओ लाइन लगाओ, चलो लाइन में खड़े हो जाओ। चलो लाइन में खड़े हो, खड़े हो इधर। वो है कहां? दिखाई नहीं दे रहा, देखते हैं। तुम दिखाओ, चलो तलाशी दो, जेब दिखाओ। क्या है इसमें? जेब दिखाओ, क्या है? खाली कर, क्या है जेब में? जेब में क्या है? पर्स ला, जल्दी जेब खाली कर। क्या ये? हाँ? क्या ये? क्या ये? हाँ? जा, कहाँ है वहाँ पे? पर्स में क्या है? कुछ नहीं सर। पर्स देखा? तो पर्स चेक करो इसका। पर्स दिखा। क्या था मेरे पास? हाँ? दिखा। कल पेपर में फोटो छपेगी ना, पता चलेगा। सर, ये पैकेट ड्रग्स। अरेस्ट करो इसे। चलो चलो जाओ सर, प्लीज सर। सर एक मिनट रुकिए तो, प्लीज सर एक मिनट रुकिए सर, मुझे आपसे एक बात करनी है सर। मैंने ड्रग्स को कभी हाथ तक नहीं लगाया सर। ड्रग्स के साथ पकड़ी गई हो, ले जाओ सर। एक मिनट रुकिए ना सर।
मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। क्या? यस सर। पुलिस ऑफिसर? यस सर। पुलिस ऑफिसर हो तो ये क्या है? ड्रग्स कहाँ से आई? सर अभी आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। सर आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। कौन सी इन्फॉर्मेशन? सर जिस आदमी को आप ढूंढ रहे हैं वो कहाँ है मैं आपको बता सकती हूँ। कहाँ है वो? सर पहले आप मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है छोड़ा। अभिजीत ये क्या कर रहे हो? ड्रग्स के साथ पकड़ गई? सर प्लीज सर, सर मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। ठीक है छोड़ दिया, मुंह बंद रखना अपना, किसी को बोलना नहीं। कहाँ है वो? नीचे। गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। बाहर निकल, बाहर निकल। Oh my God! There! Yeah! Yeah! क्या हुआ? ठीक हो? गोली उसी लगी। बच जाए। हॉस्पिटल ले चलते हैं। देखिए अब मुझे भी तो बता सकती है आप क्यों मिलना चाहती है एसीपी साहब से। नहीं मैं उन्हें ही बताऊंगी, जरा सीक्रेट है। देखिए मैं भी एक सीआईडी ऑफिसर हूं और यहाँ पे बिना बताए। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? सर ये आपसे ही मिलना चाहती है सर। बता नहीं रहे कि क्या बात है। ताशा। यस सर, ताशा कुमार रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। ड्यूटी मतलब सर? हाँ ये हमारी नई सीआईडी ऑफिसर। ताशा, ये ऑर्डर तो 10 दिन पुराना है। जी सर, मुझे आज ही यहाँ पर ज्वाइन करना था सर। गुड गुड। ताशा पिछले 10 दिनों में तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं? मतलब सर? मैंने पूछा कुछ हुआ तो नहीं? अब वो सर कोई गलत काम हुआ है तुम्हारे हाथों? मेरे से सर? हाँ तुम ये? हाँ ये ताशा है हमारी नई सीआईडी ऑफिसर। ओ नई सीआईडी ऑफिसर ताशा, ये दोनों कोई आम पुलिस ऑफिसर नहीं है, ये डिटेक्टिव्स हैं, डिटेक्टिव्स, जाने माने सीआईडी ऑफिसर्स हैं ये। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, कुछ भी नहीं किया। तो फिर क्या करने गई थी वहाँ पर तुम? सर मैं तो बस ये चाहती थी कि यहाँ आने से पहले कोई कुछ ऐसा करूँ कि एक बड़े बदमाश के बारे में पता लगा सकूँ, ताकि पहले ही दिन आप खुश हो जाए सर। तो वही जगह मिली थी जाने की, मालूम है कितनी खतरनाक जगह है वो। सर वो बदमाश इसका खून कर सकता था। सर उसने तो मेरे ऊपर गन तान दी थी सर, ये तो कुछ भी नहीं। सुना विवेक, मेरे टेबल पर एक एनवलप है, जरा लेके आओ। यस सर। और तुम्हें क्या लगा ये दोनों चुप बैठ जाएंगे? इन्होंने छींक भी मारी तब भी मुझे फोन करके बताते हैं कि सर मैंने छींक मारी है। सर ले लीजिए। मैंने तुम्हारी गिरफ्तारी का ऑर्डर निकाल दिया है ताशा, तुम्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं अरेस्ट हो जाऊंगी? हाँ प्लीज सर, प्लीज सर। फिर वहां जितने लोग थे उन सब ने ड्रग्स अपने जेब में से निकाल के बाहर फेंक दी, पर इनके ड्रग्स इनके पर्स में मिली सर। क्यों? सर मैं पुलिस ट्रेनिंग में फर्स्ट आई थी सर, सबसे आगे थी मैं। इसीलिए तुम्हें सीआईडी में लिया गया था, मगर मैं मजबूर हूँ। प्लीज सर
मेरे माँ बाप को मुझसे बहुत आशा है सब। अगर उन्हें पता चलेगा तो मर जाएंगे सब। सिर्फ एक चीज तुम्हें बचा सकती है। कौन सी सर? ये बात इसे पूछनी चाहिए या तुम्हें? सॉरी सर, जल्दी पूछो। क्या सर? सर, रिपोर्ट आ गई। गुड, देखो। ये लो सर। गुड। दाशा, अब ये फ्रेडी तुम्हारे लिए भगवान है या यमदूत? अभी पता चल जाएगा। ये क्या है सर? जो ड्रग्स तुम्हारे पर्स में से मिली है उसकी रिपोर्ट है ये। वो ड्रग्स असली है या नकली ये लिखा है इसमें। अगर असली है तो तुम जेल जाओगी, और अगर नकली है तो फिर तुम आज से ही CID ऑफिसर। अभिजीत दया, लेके जाओ इसे। चलो। प्लीज। और इसे इसका CID का बैज दे दो। ड्रग्स नकली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अबे तू क्यों इतना भाग रहा है? CID ब्यूरो या? काफी आग लगी है। तुम वॉचमैन ना? जी सर। तुमने फोन किया था? जी सर। लाश कहाँ है? अंदर है सर। चलो दिखा। आइए सर। तो वहां बहुत दिखा। लाश किसकी? मालूम नहीं साहब। मालूम है मतलब? यहाँ की देखरेख करने वाले तुम ही हो ना? जी साहब। साहब, जब मैं गोडाउन छोड़कर गया था तो यहाँ पर मेरे सिवा कोई भी नहीं था। तुम गोडाउन छोड़ के क्यों गए थे? हा? मेरी पत्नी का फोन आया था, कहने लगे कि बिट्टू की तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए जल्दी आ जाओ। मैं घर की तरफ भागा, मगर जब रात की शिफ्ट के लिए मुझे कोई दूसरा आदमी नहीं मिला तो मुझे मजबूरन वापस आना पड़ा, और यहाँ आकर देखा तो आग लगी हुई थी। गोडाउन खुला रहता है क्या? नहीं साहब, मैं ताला लगा कर गया था। ताला लगा हुआ? तो फिर ये लाश, ये आदमी अंदर कैसे आया? किसी ने ताला तोड़ दिया साहब, दरवाजा खुला हुआ था साहब। ताला तोड़ा गया है इसका मतलब ये आग लगी नहीं है तेरा, आग लगाई गई। विवेक, तुम लोग देखो यहाँ पे आसपास ताला मिलता है क्या। आप मालिक है क्या गोडाउन के? मेरे गोडाउन है सर, मेरे गोडाउन। मेरा नाम कुलदीप है। सब बर्बाद हो गया सर, सब बर्बाद हो गया। मेरा कितना सामान रखा होता सर, ये कंटेनर से अमेरिका जाने वाले थे सर। ये रहा वो ताला सर, पूरी तरह से जल गया। कुलदीप,
ऐसा लगता है ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है। जी हाँ, किसी ने आपके गोडाउन का ताला तोड़ दिया। तो ये कैन देखिए सर, इसमें इतने जोर से ब्लास्ट हुआ है कि ये पेपर की तरह फट गया है। जिसने भी आग लगाई सर, मुझे बर्बाद किया, वो कभी चैन से जी नहीं पाएगा। साथ मिला हुआ है जो यहाँ पे आग लगा के भाग गए हैं और शायद ये भाग नहीं सका। क्या फिर आपस में झगड़ा हुआ होगा, इसको मार दिया और उसके बाद आग लगा दी। श्रीमती आपको किसी पे शक है, बिजनेस में आपका कोई दुश्मन? इस पे शक होगा सर, मार्केट में इतनी सारी कंपनी है, ये एक दूसरे के दुश्मन है सर। एक काम करते हैं, ये लाश लेकर चलो, यही बताएगी आग किसने लगाई। ये क्या बताएगी, ये जली हुई लाश क्या बताएगी? इतनी बुरी तरह से जल गई है बॉडी कि कुछ नहीं बचा। तो फिर अभिजीत चलो। अरे कहाँ जा रहे हो? तुमने तो कहा यार कि कुछ बचा नहीं है। कमाल आदमी हो यार, जब देखो तब घोड़े पे सवार। अरे इसके दांत तो बचे। दांतों से डॉक्टर सालूम के सब बता सकते हैं कि इस आदमी ने खाया क्या था। रेडी, जब तक तुम्हारा मुंह बंद रहता है ना, तुम बहुत खूबसूरत दिखाई देते हो। बाय द वे, ये तुम्हारे गॉगल्स बहुत महंगे हैं क्या? क्यों नहीं, जब से अंदर आया उतार ही नहीं रहा है। अब ये बताइए कि दांतों ने क्या बताया? अभिजीत, दांतों ने ये बताया कि इस आदमी की उम्र 25 से 30 साल के बीच में है। 25 से 30 साल, जवान आदमी, मौत गोडाउन में, और वो भी जल के। मैंने सोचा इसकी उंगलियों की निशानी ले लूं, शायद पता चल जाए कि ये आदमी गुनेगार है या नहीं। हाँ, सोचा तो यही था, मगर उंगलियां जल गई है। नहीं बॉस, उंगलियां सही सलामत है लेकिन उंगलियों पे निशान नहीं। अरे अगर उंगलियां जली नहीं तो फिर निशान क्यों नहीं? यही तो परेशानी है बॉस, मैंने जिंदगी में पहला केस देखा है जहां आदमी की उंगलियों के निशान ही गायब है। गर्मी की वजह से उड़ गए होंगे। अरे निशान कोई पानी है जो भाप बनकर उड़ जाएगा। तो फिर साणुके उंगलियों के निशान गए कहां? देखो साणुके उंगलियों के निशान का गायब होना दिमाग घुमा देने वाली बात है यार। बॉस मैंने हाल ही में अखबार में पढ़ा था कि किसी फॉरेन कंट्री में एक एयरपोर्ट पर एक आदमी के फिंगरप्रिंट ले रहे थे, बाद में पता चला कि उस आदमी की तो उंगलियों के निशान ही गायब है। बस फौरन ही अरेस्ट कर लिया गया, और कमाल की बात यह है कि उस आदमी को खुद को नहीं मालूम था कि उसकी उंगलियों के निशान गायब है। मतलब ये बॉस कि वो आदमी बीमार था, कैंसर पेशेंट। ओके, और वो कैंसर की दवाई खा रहा था? जी हाँ, कैपेसिटाबाइन। और रिसर्च से पता चला है कि जो आदमी कैपेसिटाबाइन लंबे समय तक लेता रहता है उसकी उंगलियों के निशान गायब हो जाते हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब है साळुंखे कि ये आदमी जो जला है वो ये दवाई ले रहा था, कैपेसिटाबाइन? बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ये आदमी कैंसर से बीमार था। जी, फिर तो इस आदमी के बारे में पता लगाया जा सकता है सर। सारे कैंसर हॉस्पिटल में पता करते हैं कि कौन कौन लोग हैं जिन्हें ये वाली दवाई दी जा रही थी। अच्छा, ये तुम्हारा पहला केस है और तुम अभी से थक गए? युद्ध तो अभी शुरू हुआ। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे तो बल्कि मजा आ रहा है सर। अच्छा, मजा आ रहा है, लग तो नहीं रहा। सर ये आवाज कैसी सर? शादी यहाँ पे मिली है तो या तो ये लाश की है या फिर हुनी की, झगड़े बगड़े में गिर गई होगी। अभिजीत, इस आदमी के केस को देखकर मुझे एक 20 साल पुरानी केस याद आ रही है। कुछ चार लोगों ने मिलकर एक आदमी को लूटा और फिर उसका खून करके उसकी लाश को वर्सोवा बीच में गाड़ दिया रेत में। मगर वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों का बैड लक ही खराब होता है। क्या हुआ, क्या था सर? हुआ ये कि चार दिन बाद ऐसे बारिश हो गई और समुद्र में इतना तूफान आया कि बीच के ऊपर की सारी रेत बह गई और जो गड़ी हुई लाश थी उसका हाथ यूं ऐसे बाहर आया, जैसे कह रहा था कि मैं यहां पर हूं। बस हमारे इस आदमी के केस का हल भी कुछ ऐसे ही लगता है मुझे।
मरते वक्त जैसे वो आदमी कह गया कि मुझे कैंसर हुआ था। मिल गया सर। सर ये एक ही हॉस्पिटल है जहां पे ये कैंसर वाली दवाई मिलती है? वामो हॉस्पिटल। मगर अभिजीत ये कैंसर की दवा वामो हॉस्पिटल में कैसे मिलती है? ये तो कैंसर हॉस्पिटल है ही नहीं। सर हो सकता है यहाँ पे कोई नया डॉक्टर आया हो जिसे इस वाली दवाई के बारे में मालूम हो। जैसे हमारे सारंग को मालूम है इस दवाई के बारे में। वैसे अभिजीत ये हमारा सारंग के है टेढ़ा मगर बहुत होशियार है। रोज नई नई किताबें पढ़ते रहता है। उसे है ना उसके अंदर एक भूख है नई बातें सीखने की। आंधे लगे हुए हो? मिला कुछ? अच्छा ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अरे यार छोटी सी चीज सही पर है तो सही कुछ। हाँ अच्छा हमें वो हॉस्पिटल मिल गया जहां पे वो कैंसर वाली दवाई दी जाती है। हाँ ठीक है तुम वो दुकान ढूंढो तब तक हम लोग जरा इस हॉस्पिटल में होके आते हैं। क्या क्या मिला दया को? सर एक जली हुई चाबी मिली है। निकल पड़े हैं वो लोग उस चाबी का ताला ढूंढने। जली हुई चाबी? एक्सक्यूज मी हम लोग सीआईडी से। हमें ये पता लगाना है कि आप यहाँ पे कैपेसिटाबाइन नाम की दवा देती हैं किसी को? कैपेसिटाबाइन? जी हाँ। और वो तो कैंसर के लिए दवाई है। जी हाँ आप ये दवाई देती हैं किसी को? जी। तो क्या आप उन पेशेंट्स के नाम और पता हमें दे सकते हैं जो ये कैपेसिटाबाइन लेते हैं? जी एक मिनट मैं लाती हूँ। प्रिडिक्स इसमें से वो नाम और पता नोट कर। एक्सक्यूज मी। यस हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जरा ये चाबी देखिए ये चाबी यहीं पे बनाई गई है ना? मार्जो ताला तो हम ही लोग बनाते हैं फिर ये चाबी हम ही ने बनाई होगी। इस चाबी का ताला कहाँ है हमें ये पता लगाना है। Y50598। एक मिनट सर प्रकाश वो रजिस्टर देना। देखिए सर हम लोग हजारों ताले बनाते हैं अब ताले बनाने के बाद कहाँ कहाँ गए इसकी हम थोड़ी बहुत ही जानकारी आपको दे सकते हैं। जो कुछ भी पता चले ये ताला यहाँ बनने के बाद हार्डवेयर के किस किस दुकान में बेचे गए हैं ये तो पता लग ही सकता है ना? जी इस नंबर के ताले हमने अंधेरी में पार्ला में और सांता क्रूज में बेचे। अरे फ्रेडी कहाँ छुपा के रखते हो बिस्किट्स? लाया सर। कहाँ छुपा के रखी थी? मैंने? और नहीं तो क्या मैंने? बाद में खाने वाले हो। अरे सर आप भी ना। आपका ऑफिसर है बहुत अच्छा आदमी बहुत प्यार से हमें यहाँ लेके आए। हाँ वाकई बहुत अच्छा आदमी है। ए फ्रेडरिक्स ये क्या ये पैकेट फटा कैसे है? सर ये बिस्किट जो है ना विवेक से दूर रखनी चाहिए सर। ए फ्रेडरिक्स सच बताओ कितनी खाई तुमने इसमें से? तीन तक तो याद है बाकी। एक्चुअली हमें भी बड़ा बुरा लग रहा था कि एक तो आप लोगों की तबीयत ठीक नहीं है उसके ऊपर से आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ा। जब से मैंने दवा खाया है हालत में बहुत सुधार है। अच्छा बड़ी अच्छी बात है। वैसे आप सब लोग एक दूसरे को जानते हो? अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ सर हम सब एक दूसरे को जानते हैं। हम सभी को डॉक्टरों ने बुलाकर ये बताया था कि देखो भैया एक नई मेडिसिन आई है आजमानी है बोलो तैयार हो। तो हम सब ने बोला कि भैया ऊपर तो जाना ही है सो क्यों ना चलो एक नई दवा खा के देख लें। और फिर सर उसके बाद चमत्कार हो गया। उस दवा को लेने के बाद हम सभी की तबीयत में लगातार सुधार होने लगा। चलिए अच्छा है भगवान करे आप लोग जल्दी से अच्छे हो जाएं। वैसे कितने लोग हैं आप जो ये नई दवाई खा रहे हैं? सर एक सर हम लोग चार सर पांच लोग हैं हम लोग। आपने रमन को नहीं बुलाया? नहीं हम उसका फोन ट्राई कर रहे हैं मगर फोन लग नहीं रहा उसका। अच्छा आप में से कोई जानता है ये रमन रहता कहाँ है? कोई गया है उसके घर पर? अब हाँ सर मैं गया हूँ वो मलाड में तेली अली में रहता है सर। चलो ठीक है हम रमन को वहाँ जाकर मिलेंगे। सर सर वैसे बात क्या है सर अब
हम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया सर? यह हम आपको बाद में बता देंगे, पहले रमन से तो मिल लें। ये इस सीरीज के माजो ताले आपके दुकान में आए हैं फैक्ट्री से? धंधा बहुत मंदा है मैडम, आजकल लोग घर नहीं खरीद रहे, और जब घर ही नहीं खरीदेंगे तो ताले खरीद कर क्या करेंगे? ऐसा कैसा हो सकता है? ध्यान से देखो, यही वाला ताला बेचा है कि नहीं? नहीं साहब, ये नंबर के ताले अब तक हमारे दुकान से नहीं बिके। कैसे नहीं बिके? अच्छा, आगे हार्डवेयर की दुकान है? हाँ, यस, आगे। थैंक यू। अच्छा, ये देखिए, मैं सीआईडी से हूँ, हम पता करना चाहते हैं कि ये चाबी किसकी है। लेकिन भाई साहब, एक चाबी से ताला ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। मालूम है मुश्किल है, मगर हम ढूंढ के रहेंगे। आप देखिए, कौन सी कंपनी का है? मार्जो? हाँ, मार्जो। इस कंपनी वालों ने बताया कि इस नंबर के ताले इसी एरिया में बेचे गए। हाँ सर, मुझे याद आया, अभी कुछ दिन पहले एक ऑफिस वाला बंदा आया था और 10 ताले लेकर गया है। 10 ताले? जी हाँ, और मार्जो भी थे। मैं आपको अभी बिल देखकर बताता हूँ। नंबर क्या है? Y50598। हाँ, Y50598। सर ये रहा बिल। अच्छा ये बताइए, ये ताले खरीदे किसने? ये माइक एंड फ्रेम्स कंपनी है। माइक एंड फ्रेम्स? जी हाँ, उनका नया ऑफिस बन रहा है। आप लोग? जी हम लोग सीआईडी से हैं। क्या? थैंक यू। रमन के बारे में कुछ पता चला? कुछ पता चला मतलब हम समझे नहीं। मेरे पति कल रात से वापस नहीं आए, मैंने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट लिखवाई थी। देखिए दरअसल बात ये है कि आपके पति की हमें लाश मिली है। देखिए प्लीज मैडम, लीजिए प्लीज पानी लीजिए। कैसे हुए ये सब? अब आपके पति की लाश, मेरा मतलब है उनकी जली हुई लाश मिली एक गोडाउन में। सर ये गोडाउन यहां से 10 मिनट की दूरी पे है। देखो बेटा, हमें बहुत दुख है, मुझे पता है ये वक्त नहीं है तुमसे कुछ पूछने का, लेकिन क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे पति काम क्या करते थे, कहाँ करते थे? फैक्ट्री में काम करते थे। फैक्ट्री में काम करते थे? अच्छा, उनकी फैक्ट्री कितनी दूरी पर है, कहाँ है फैक्ट्री? बीस 25 मिनट की दूरी पर है। देखो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें फोन कर देना, हम एक लेडी कांस्टेबल भेज देंगे तुम्हारे साथ कुछ दिनों के लिए रहने, ठीक है? हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। अभिषेक, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये रमन उस
गोडाउन में क्या करने गया था? वो तो फैक्ट्री में काम करता है। सर वो गोडाउन रमन की फैक्ट्री और उसके घर के बीच में है। सर गोडाउन के पास में ही तो बस स्टॉप है, शायद रमन बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पे गया होगा। हाँ, और फिर अपनी शिफ्ट खत्म करके वो गोडाउन के पास वाले बस स्टॉप पर खड़ा था। उसी वक्त गोडाउन में कुछ हुआ होगा और रमन का, मगर हुआ क्या होगा उस गोडाउन में? Excuse me. Yes. हम लोग CID से आए हैं। CID? जी कहिए, मैं यहाँ का डिप्यूटी मैनेजर हूँ। हमें पता चला है कि आप लोगों ने मार्जो कंपनी के 10 ताले खरीदे हैं एक साथ। 10 ताले? कितनी अजीब बात है, एक छोटी सी कंपनी कितने ताले खरीदती है, अब आप लोग इस बात का भी ख्याल रखने लगे हैं क्या? हाँ, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि खूनी कौन है। खूनी? किसका खून हुआ है? आप वो छोड़िए, अब ये बताइए कि वो 10 ताले कहाँ कहाँ लगे हैं? जी वो तो हमारे ऑफिस में ही लगे हुए हैं, कई जगहों पर। और इन तालों की चाबियां किस किस के पास होती है? जी चाबियां तो हमारे यहाँ प्यून्स के पास ही होते हैं, क्योंकि वही ऑफिस खोलते हैं और बंद करते हैं। प्यून्स कितने हैं यहाँ ऑफिस में? जी 5। क्या आप उन्हें बुला सकते हैं यहाँ पे? जी जरूर। सुनो, ऑफिस के सारे प्यून्स को मेरे केबिन में भेजो। आप लोग सब एक लाइन में खड़े हो जाइए प्लीज। एक दो तीन चार, पांचवा कहाँ है? हाँ, ये पांचवा कहाँ है? अरे ये बताओ, इस नंबर की चाबी किसके पास होती है? 50598 साहब, ये तो सोनू के पास रहती है। सोनू? सोनू कहाँ? साहब वो तो 2-3 दिन से छुट्टी पे है साहब। छुट्टी पे है? ये सोनू इस वक्त कहाँ मिलेगा? अरे सुनो जरा, ये तुम किसी सोनू को जानते हो क्या? सोनू? हाँ सोनू, यहाँ पे आता जाता रहता है। एक सोनू तो है। आज आया वो? हाँ आया है, ऊपर बैठा है 6 नंबर टेबल पे। थैंक यू। टेबल नंबर 6 उधर तुम लोगों को जाने का, सीधा अपना काम करने का। डबल बताइए, वहां पे जाने का सीधा स्ट्रेट पहुंचा बिल्कुल कर। सोनू भाई कैसे हो? अब ये कौन आ गए भाई, मेरे रिश्तेदार? एक नहीं एक साथ कई रिश्तेदार आए हैं भाई। कौन है रे भाई तुम लोग? कौन है पता चल जाएगा तो यहीं पर पैंट गीली हो जाएगी, जितनी भी पी है ना सब उतर जाएगी। ए, जबान संभाल के। बेटा हम लोग CID से हैं, समझे? CID? हजम है रास्ते से, हजम कहते हो हजम? क्या हजम? सोनू, सोनू, अच्छा सोनू एक सीधी सादी नौकरी करते करते ये किस लाइन पर निकल पड़े और क्यों? एक प्यून के पगार में पूरे फैमिली का खर्चा नहीं चल सकता साहब। मेरे दोस्तों ने जब मुझे ये प्लान बताया तो मैं मना नहीं कर सका। वाह वाह, ये बताओ वहां पर क्या हुआ था गोडाउन में? किस लिए गए थे तुम? हम लोग गोडाउन का ताला तोड़कर अंदर घुसे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम गोडाउन में रखा सामान जमा करने लगे और जैसे ही हम लोगों ने सामान इकट्ठा किया तो अचानक ही एक आवाज सुनाई पड़ी। क्या हो रहा है यहाँ पर? ए, करो तुम। जैसे ही मैंने देखा गोडाउन का ताला टूटा हुआ है, मैं समझ गया कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। मैं चुपचाप भाग जाए यहाँ से। मैं क्यों भागू यहाँ से? भागोगे तुम लोग अभी यहाँ से। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, सबके सब अंदर हो जाओगे तुम लोग। ओए क्यों नाक डाला बीच में? हाँ कांगा फोड़ यहाँ से। बस 2 मिनट रुक जाओ तुम लोग। ये तो पुलिस को फोन कर रहा है भाई, ऐसे तो हम लोग फंस जाएंगे यार। भाई कुछ करना पड़ेगा यार। मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब,
लेकिन वो गधा मेरी बात मान ही नहीं रहा था। लगा था पुलिस को फोन कर रहे हो। मैं क्या करता साहब, मैं क्या करता। ये ऐसे नहीं मानेगा, तू ऐसे नहीं मानेगा ना। मैंने उसकी लाश को गोडाउन में रख दिया ताकि गोडाउन के साथ वो भी जल जाए। और मैंने गोडाउन में आग लगाई। मगर तुम लोग तो चोरी करने के इरादे से गए थे ना, तो फिर गोडाउन क्यों जलाया? हमें ऐसा करने के लिए कहा गया था। किसने किसने कहा था? उसका नाम नहीं मालूम, उसने हमें फोन किया था। किस नंबर से? वो मेरे फोन में है। विवेक फोन लाओ इसका। इस नंबर से उसने कहा गोडाउन में जो सामान है उसे निकालकर गोडाउन जला देना। गोडाउन से सामान निकाल के? हाँ सर, सामान निकालकर। और क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो काम खत्म होने के बाद किसी सुनसान जगह पर मिलेगा और 5 लाख रुपए देकर गोडाउन से चुराया हुआ सामान वापस ले लेगा। और तुम तीनों के मुंह में पानी आ गया। बिना बात के मार दिया उस बेचारे रमन को। क्या कसूर था उसका? एक अच्छे नागरिक की तरह अपना काम कर रहा था वो। तीनों को तो फांसी होगी। मोबाइल कंपनी ने क्या कहा था? मोबाइल कंपनी वालों ने यही एड्रेस बताया सर। क्या यही बंगला है? हाँ सर, यही है मानस का बंगला। अरे अरे, आप ये कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? आप मानस जी का ही बंगला है ना? कौन मानस? कौन मानस मतलब? वो जो यहाँ पे रहते हैं वही वाले। अच्छा, वो मानस साहब? हाँ वो मानस। कहाँ है वो? वो मालूम नहीं कहाँ है। एक उल्टे हाथ का पड़ेगा ना, तोते की तरह बोलने लगेगा, समझा? अच्छा, आप लोग जाइए यहाँ से, जाइए आप लोग, जाइए। बहुत ज्यादा नमक खा लिया मालिक का तुमने, अब प्रसाद खा। बोलो कहाँ है वो? साहब वो तो फार्म हाउस। कहाँ है ये फार्म हाउस? कुलदीप? एसीपी साहब आप? हाँ, मानस का है? अब आया नहीं सर। तो फिर? अब मैंने उसको बुलाया था सर, उसका इंतजार करते करते मैं बस हो गया। भाई दबे, ये तो मानस का फार्म हाउस है ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब... क्यों? सर मानस भाई है मेरा सर। तुम्हारा भाई है? बहुत अच्छा भाई है। हाँ सर, भाई है मेरा। उसी ने तुम्हारे गोडाउन में आग लगाई थी। व्हाट? मानस ने आग लगाई? हाँ। अच्छा बदला लिया सर उसने मुझसे। बचपन से ही मेरा दुश्मन रहा वो। फिर अब तो उसका अंत आ ही गया। के पैसे मानस के नाम पे करूं या कुलदीप के नाम पे? मिस्टर मानस। रे रे रे, कहां जा रहे हो कुलदीप जी उर्फ मानस? हैं, पैसे भी तो ले लो। बताता हूं, सब कुछ बताता हूं। मेरा बिजनेस घाटे में चल रहा था, ऊपर से अचानक बाजार में मंदी आ गई।
मेरा एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट अमेरिका जाने वाला था, जिसका मैंने 5 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया। ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। मैंने सोचा क्यों ना कंसाइनमेंट को चोरी करा दूं और फिर गोदाम में आग लगवा दूं। लेकिन मेरा नसीब खराब था कि वो आदमी वहां पर आ गया। उसका नाम रमन था और वो तुम्हारा गोडाउन चोरी होने से रोकने के लिए आया था। मगर उसे क्या मालूम कि गोडाउन का मालिक ही चोर है। रमन के खून में तुम्हारा भी हाथ है, तुम्हें भी सजा होगी, बड़ी से बड़ी सजा। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।